नमस्कार साथियों, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर बड़ा पेच सोनीपत, खरखोदा, बहादुरगढ़ और बादली की ज़मीन के मुआवजे को लेकर फंस चुका है। अगर बात करें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की, तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का 52% काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 52% भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। शेष बची 48 यानी कि 48 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने में सरकार के पसीने छूट चुके हैं। पिछले दिनों केएमपी आसोदा और खरखोदा टोल पर जो धरने चल रहे थे, उन धरनों में से दोनों धरने लगभग समाप्त हो चुके हैं और धरनों का कोई खास रिजल्ट भी नहीं निकल कर आया। किसानों से 21 दिन का वायदा किया गया था कि मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे में किसी प्रकार का खास अंतर देखने को नहीं मिला। कोर्ट में केस जारी है और जमीन मुआवजे को लेकर किसान लगातार धरना दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में अधिग्रहण की गई जो जमीन है, उसके खरखोदा और सोनीपत जिले के दाम को रिवाइज्ड करने का काम किया गया था, उस बारे में चर्चा करेंगे। समिति ने एक रिपोर्ट में उपायुक्त और आयुक्त रोहतक मंडल को प्रेरित किया कमेटी की बाजरी भाव यानी कि जमीनों के दाम निर्धारित करते हुए नया मुआवजा खरखोदा क्षेत्र के लिए तय करने का काम किया था। अब बात करें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए टीम और कमेटियां गठित करने का काम पिछले दिनों कर दिया गया था, जहां से उन्होंने अपनी विभाग को अलग अलग एरिया की रिपोर्ट देने का भी काम किया। एक महीने के अंदर ही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और समिति द्वारा बाजारी भाव के अनुसार जमीनों के दाम को निर्धारित करते हुए खरखोदा क्षेत्र के गाँव को नया मुआवजा निर्धारित कर दिया। यहाँ पर जमीन के अगर नए मुआवजे की बात करें, तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर किए जाने वाले जमीन अधिग्रहण के विरोध में शुरू से ही किसान अड़े रहे हैं और कई दिनों तक धरना प्रदर्शन लगातार अलग अलग स्थानों पर चलते रहे। किसान लगातार जमीन अधिग्रहण की कम कीमतों को लेकर भी अपना विरोध जता चुके हैं और 3 मार्च को एक समिति का गठन भी इसके बीच में किया गया था। समिति में उपमंडल अधिकारी सोनीपत, खरखोदा, जिला राजस्व अधिकारी सोनीपत, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग व मार्ग शाखा के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था और इस जमीन में बाजारी रेट के भाव तय करने के लिए रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपने का भी काम किया था। जिन गाँव की जमीन अधिग्रहण की गई है, उन गाँव के जमीन के हिसाब से रेट को रिवाइज करके मल्टीफैक्टर को जोड़ करके खरखोदा एरिया के मुआवजे को बढ़ाने का काम किया था। 18 गांव के रेट को रिवाइज करने का काम किया गया था। अगर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में 18 गांव की जमीन हरियाणा रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जानी है, यह कॉरिडोर पलवल से सोनीपत के बीच में बनाया जाएगा, जो कि सोहना, मानेसर, बादली, बहादुरगढ़ और खरखोदा की तरफ चला जाएगा। अगर गाँव की बात करें इस कॉरिडोर के लिए, किडोली गांव, पाई गांव, प्रहलादपुर गांव, बरोना गांव, गोपालपुर गांव, पीपली, थाना कला, तुर्कपुर, मंडोरी, मंडोरा, नाहरा, माला माजरा, छतेरा बदरपुर, हरसाना खुर्द, हरसाना कला आदि गांव की जमीन को शामिल करने का काम किया गया था और जगदीशपुर गांव के दामों को दर्शाया नहीं गया था। वहीं गोपालपुर गांव का भी जमीन का रेट पहले निर्धारित नहीं किया गया था, बाद में निर्धारित करने का काम किया गया। पहले जमीन अधिग्रहण के लिए गांव की जमीन के दाम अलग अलग गांव में 23 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी, 23 लाख रुपए से लेकर के 1,30,00,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से तय किए गए। मल्टीफैक्टर के 1.25% जोड़ते हुए मुआवजे को 31,25,000 से लेकर के 1,62,00,000 तक का बढ़ा दिया गया, 88,000 बीच में जोड़ने का काम किया गया। वहीं ब्याज समेत 67,69,000 से लेकर के 3,55,97,000 रुपये प्रति एकड़ तक का भी मुआवजा बढ़ाया गया। नए दामों में कम से कम 33,00,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया। ब्याज और मल्टीफैक्टर को जोड़ करके 89,34,000 प्रति एकड़ कम से कम बनती है।
रिवाइज मुआवजे के बाद पीपली गांव में सबसे अधिक मुआवजा 2.08 करोड़ रुपए तय किया गया था। इसी प्रकार खरखोदा के अलग अलग एरिया के गांव की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो भी हम प्रोवाइड करवाने का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस गांव में पहले कितना मुआवजा था और बाद में इसे रिवाइज्ड करके कितना तक बढ़ाने का काम किया गया। पहले गांव का नाम किडोली, पहले यहां का जर्नल मुआवजा 73.25 लाख रुपये था, रिवाइज रेट के साथ नया मुआवजा 94,95,000 रुपये किया गया। दूसरे स्थान पर पाई गांव, पाई गांव में पहले का मुआवजा 73,28,000 था जो बाद में रिवाइज्ड रेट के साथ 95,00,000 रुपए कर दिया गया। तीसरा पहलादपुर गांव, यहां का मुआवजा अगर बात करें तो 67,69,000 रुपए था, लिंक जोड़ करके 1,01,00,000 हो गया और इसका बढ़ा करके 92,06,000 कर दिया गया और लिंक के मुआवजे की बात करें तो 1,16,00,000 तक इसे बढ़ा दिया गया। इसके बाद पीपली गांव में मुआवजे की बात करें तो 1,24,00,000, लिंक लगा करके 2,08,00,000, इसे बढ़ा करके बात करें 1,24,00,000 तो रिवाइज्ड और 2,08,00,000 पर ही इसे रोकने का भी काम कर दिया गया। उसके बाद आगे जैसे हम बढ़ते हैं तुरकपुर गांव, तुरकपुर गांव में 56,85,000 पहले इसे लिंक के साथ जोड़ करके 83,93,000, इसे बढ़ा करके 89,34,000 और लिंक के साथ 1,08,00,000 रुपये करने का काम कर दिया गया। थाना कला गांव का हम जिक्र कर चुके हैं, 80,24,000 पहले 1,66,00,000 रुपये लिंक के साथ और रिवाइज्ड रेट की बात करें तो 1,05,00,000 और लिंक के साथ 1,66,00,000 रुपये मुआवजा बताया गया। अब यहां पर तुरकपुर गांव में 56,85,000 के बाद लिंक जोड़ करके 83,93,000, फिर बाद में रिवाइज्ड रेट के साथ 89,34,000 और यहां पर आगे बात करें तो 1,08,00,000 रुपये यहां पर दिखाया गया। उससे आगे मंडोरी गांव में 92,09,000 रुपये से लेकर के मुआवजे को बढ़ा करके मंडोरी में 1,35,00,000 लिंक, उसके बाद 1,02,00,000 रिवाइज्ड रेट और यहां पर आगे का लिंक मुआवजा भी जोड़ने का काम किया गया। मंडोरी गांव मंडोरा 81,25,000 रुपये पहले 1,35,00,000 रुपये लिंक के साथ जोड़ करके और 1,02,00,000 रिवाइज्ड रेट और 1,35,00,000 रुपये लिंक के साथ यहां पर दिखाया गया। अब आता है जहरा, 96,04,000 रुपये पहले, 96,04,000 पहले, उसके बाद लिंक के साथ जोड़ करके 1,35,00,000, रिवाइज्ड रेट के साथ बढ़ा करके 1,02,00,000 और 1,35,00,000 लिंक के साथ जोड़ने का काम किया गया। उसके बाद गांव माला माजरा में 78.7 लाख रुपए पहले का मुआवजा, जिसमें लिंक 1 करोड़ बात करें तो 1 करोड़ हो गया, उसके बाद रिवाइज्ड रेट 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद यहां पर लिंक 1,12,00,000 के साथ माला माजरा का रेट बढ़ा दिया गया। छतेरा मदनपुर में 78,07,000 लिंक के साथ जोड़ करके 1 करोड़, रिवाइज्ड रेट की बात करें तो 1 करोड़ और लिंक के साथ 1,12,00,000 रुपए यहां बढ़ाया गया। अब आता है अकबरपुर बारोटा, 2,95,00,000 रुपए लिंक के साथ जोड़ करके 3,55,00,000, उसके बाद रिवाइज्ड रेट में भी बढ़ोतरी की करने का काम किया गया। जगदीशपुर गांव में 3,44,00,000 रुपए, यहां पर लिंक के साथ भी 3,44,00,000, इसके बाद नसीरपुर बांगड़ गांव 1,63,00,000, उसके बाद हरसाना कला गांव 62,83,000 रुपए और इसके बाद बात करें हरसाना कला 64,27,000 रुपए किया गया। यहां पर नसीरपुर बांगड़ को एनएच की कैटेगरी में रखा गया व उपरोक्त दाम को प्रति एकड़ के हिसाब से तय करने का काम किया गया। यह अलग अलग गांव के मुआवजे की लिस्ट आपको मैंने बताने का काम किया। लगातार किसानों के साथ पेच सरकार का फंसा हुआ है और सरकार और किसान
लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें बड़ा मुआवजा दिया जाए। पिछले दिनों बहादुरगढ़ बादलिया क्षेत्र के गाँव में सरकार की ओर से अधिकारी स्वयं गाँव में मुआवजा देने के लिए भी आए थे, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने उन चेक्स को उठाने से मना कर दिया, यानी कि मुआवजा लेने से मना कर दिया। ये पेच लगातार फंसता जा रहा है और धरने प्रदर्शन लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसान मुआवजा लेने से काफ़ी स्थानों पर इनकार कर चुके हैं। अब ये देखने का विषय होगा क्या किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे पहले मुआवजे में कुछ इंटरेस्ट रेट जोड़ करके किसानों को जो मुआवजा दे रहे हैं, क्या किसान उस मुआवजे से संतुष्ट होंगे या किसान जमीन अधिग्रहण का मुआवजा न लेकर के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण में बाधा डालने का काम करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो के बाद आप लोगों से मिलते हैं जल्द नई अपडेट के साथ। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।